गुड मॉर्निंग राधे राधे, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज ब्लॉग की शुरुआत बाबू के साथ। बाबू सो रहा था बड़ी ही शांति से, और एक सोया हुआ है वहाँ पे। हेलो टीटू, उसका दान गेट पे है। मम्मी आने वाली है, गेट में से है, बाहर ले चलो बस मुझे। मम्मी जाने से पहले उसको घुमा के गई है गेट के बाहर ले जाके। राधे राधे, गुड मॉर्निंग राधे राधे। तो यहाँ पे भी हमने कान्हा जी को नहला दिला के किया रेडी, स्वेटर पहना दी, दिन में भी ठंड होती है, मोर पंख लगा दिया ताकि और भी सुंदर लगे। राधे राधे। यहाँ पे हमने पेड़ों में की थी 2-4 दिन पहले गुड़ाई, जो गुड़ाई के बाद यहाँ पे पानी डाला जाता है, लेकिन हमने भिगो रखी है देसी खल, उसको डालेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे आ रहे हैं अनार। इस पेड़ को रोजड़े खा गए रात को, केले को तो खाए साथ साथ इसको भी खा गए, तो इसमें कुछ कुछ अनार आ रही है, तो इसमें डालेंगे हम देसी खाद जो कि हमने 5 दिन पहले से मटकी में खल भिगोई हुई है और यहाँ पे भर लिया उसके लिए पानी। खल को अच्छे से सड़ाना होता है, कम से कम 4 से 5 दिन तक, तो उसको हमने प्रॉपर पका लिया क्योंकि हमने भिगो रखी है उसको यहाँ पे मिट्टी में, मटकी में भिगोया है इसको हमने, तो इसकी हालत ये है। और इसमें ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया, तो इसमें हम करेंगे पानी मिक्स, वो करेंगे थोड़ी देर बाद। हेलो, तो यहाँ पे मैं रोटी लाई थी पार और उसकी माँ के लिए, क्योंकि कल मैंने रोटी दी थी उसकी माँ को और उसको नहीं दी जल्दीबाजी में, तो वो देखते रह गई थी, खड़ी हो गई, पहले रोटी चाहिए इसको, ऐसे दही नहीं खाएगी रोटी दो पूरी, दही नहीं खाना रोटी चाहिए बस इसको। यहाँ पे हमने बनाया बूंदी का रायता और खाते हैं अभी खाना। जब नीचे से कुछ खा के आता है तो ऐसे दांत चबाता है, इसको पता है लड़ेगी, चल दे रुक जा इधर आ जा, देख रहा है आ रही है खेत में, चलेगी या फिर बुला रही है। अभी जाऊंगी मैं पीछे, आ जा, तेरे को नहीं लेके जाऊँ, खेत में गीला हो रहा है, फिर तू सारा कीचड़ में पैर करके आता है, और फिर धूप भी नहीं है तेरे को नहलाया जाए तो। तो यहाँ पे अभी डालेंगे हम पेड़ों में खल, और ये इतनी ज़्यादा टाइट हो चुकी है कि ऐसे तो निकलना मुश्किल है इसमें से, और इसको एक बाल्टी में निकाल लेते हैं। हमने इसको मटकी में इसलिए भिजाया था क्योंकि मटकी में सबसे अच्छा बताया जाता है बाल्टी वगैरह से, प्लास्टिक स्टील से बढ़िया, क्योंकि ये बर्तन मिट्टी का है। तो यहाँ अभी इसमें मैं इसमें एक कटोरा लूँगी खल का, और इससे 4-5 गुना पानी का, तो कम से कम आधी आधी बाल्टी डलेगी सारे पेड़ों में, तो एक बार निकालती हूँ और फिर दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैंने मटकी में से निकाल लिया है इसको, क्योंकि वो उसका मुंह छोटा था, उसमें कटोरा नहीं जा रहा था और हाथ से फिर निकलता नहीं। यहाँ अभी इसको हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद पेड़ों में डालेंगे। तो यहाँ मैंने आधी बाल्टी पानी ले ली है और एक कटोरा खल, उसको अच्छे से मिक्स करके और फिर हम डालेंगे यहाँ पेड़ों में, सीधा जड़ पे नहीं डालना क्योंकि लड़ाई किए तो वैसे ही कमज़ोर हो रखे हैं। एक एक करके ऐसे ही डालना है हमको सारे पेड़ों में। इस वाले पेड़ में तो अनार आ रखे थे, लेकिन इसको रोजड़ा खा गया, कुछ अनार अब भी आ रहे हैं, तो ऐसे डालते हैं एक एक करके सारे पेड़ों में। तो यहाँ पे हमने सभी पेड़ों में लगभग डाल दिए खड़, जो कि हमने निकलवाई थी सरसों से, तेल खाने में काम आ गया, और सरसों पेड़ों में वैसे भैंस के लिए रोज यूज की जाती है, सभी पेड़ों में डाल दी। तो यहाँ पे आ रखे हैं बहुत सारे बेर, लेकिन लाल एक भी नहीं हो रहा, जो हो रहे हैं वो वहाँ पे हो रहे हैं जहाँ कि तोड़ नहीं सकते। इतनी सारी झाड़ियों में से इतने से बेर मिले जो भी आधे लाल और आधे हरे। तो यहाँ पे लगाया था मेथी, लहसुन, पालक, जो कि कैरी बनाते दिखाया था मैंने आप लोगों को। तो यहाँ पे लहसुन लगाया बहुत सारा, 1, 2, 3 और 4, 4 कैरी में लहसुन लगाया, 5 कैरी में लगा हुआ काचनी, और उसमें डाले हुए बीच में जौ। यहाँ पे हो गया मेथी पालक, और वहाँ पे छोटी सी कैरी में धनिया। चुकंदर अभी नहीं हो गया, मूली और चुकंदर। मटकी को साफ़ कर दिया और इसमें वापस से डालेंगे सरसों की खल,
क्योंकि पेड़ रह गए और। तो यहाँ पे अभी इसमें डाली खड़, और उसके बाद यहाँ पे पानी डाल रहे, खड़ की बाल्टी थी इसलिए पानी भी गंदा होगा। तो यहाँ पे इसको ढक के रख देंगे अच्छी तरह सड़ाने के लिए, कम से कम 5 दिन के बाद इसको डालेंगे पेड़ों में, खासकर अमरूद के पेड़ के लिए ये बनाया था घोल, और अमरूद के ही पेड़ में नहीं डाला। राधे राधे। तो अभी हमने यहाँ पे की है पूजा, जय श्री कृष्णा। तो शाम के खाने में हम लोग बना रहे नमकीन चावल, उसके लिए मैंने यहाँ पे आलू गोभी काटी है थोड़ा सा, और एक टमाटर काटा है, और प्याज लहसुन हरी मिर्ची, चावल धो लिए हैं, और यहाँ पे अभी पक रहा है तेल। तो बनाते हैं नमकीन चावल। नजी के पीने के लिए दूध, जय श्री कृष्णा। तो अभी सलाते हैं कान्हा जी को, राधे राधे, राधे राधे, गुड नाइट कान्हा जी। एक अंदर से बाहर आने के लिए बेताब हो रहा है, और एक काफी देर से गेट बजा रहा है अंदर जाने के लिए। चलो, इसको बाहर जाना है और इसको अंदर जाना है। ये देखो, ये हमारे घर के अलग ही अजूबे हैं। चल अंदर, चलो ले मिर्ची। अब ये एक दूसरे के पीछे घूमेंगे। तो अभी इसको बंद करना है और इसको बांधना है। वेरी गुड। ये भी देख रहा था कि ये क्या है। 10 बज गए, सोते हैं फिर। अभी आप सब लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।